नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां। आइए किरातार्जुनीयम के क्रम में हम आज 13वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं, वंशस्थ छंद में है। वसूनि वाञ्छन्न वशीन मन्युना, वसूनि वाञ्छन्न वशीन मन्युना, स्वधर्म निवृत्त कारण स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टे नृपौ सुतेऽपि वा, गुरुपदिष्टे नृपौ सुतेऽपि वा, निहन्ति दण्डे न सधर्म विप्लवम्, निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। तो मित्रों, आप सभी प्रसंग से विदित होंगे, जो वनेचर है वो युधिष्ठिर के पास दुर्योधन के वृत्तांत को, दुर्योधन की विभिन्न स्थितियों को बता रहा है। तो इसमें भी वह दुर्योधन को जितेंद्रिय बताता है और दुर्योधन साम और दाम का प्रयोग कैसे कर रहा है उसको बता रहा है। अर्थात वो जितेंद्रिय हो गया है, अपने धर्म को बढ़ा रहा है, धर्म को उन्नति की ओर ले जा रहा है, ऐसा वनेचर युधिष्ठिर को कहता है दुर्योधन की बातों को। इतना ध्यान रखें। तो इसमें जो क्रियापद है निहंती है, निहंती मार रहा है, समाप्त कर रहा है किसको? धर्म विप्लवम। धर्म विप्लवम मतलब अधर्मता, धर्म का व्यतिक्रम जहां पर हो रहा है। अधिक जैसे धर्म में कोई कष्ट आ जाता है, अधर्म होने लग जाता है, तो धर्म में जो बाधा आती है तो उसको धर्म विप्लव कहते हैं। तो तम धर्म विप्लवम निहंति सह वशी, वह वशी, वह कौन? वह दुर्योधन वशी, वशेंद्रिय, जितेंद्रिय हो गया है, जो जिनने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसको कहते हैं वशी। तो दुर्योधन नाम का जितेंद्रिय जो राजा है वो धर्म विप्लवम निहंति, धर्म में आने वाली बाधाओं को, अधर्म को दूर कर रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, ऐसा वनेचर युधिष्ठिर को कहता है। वैसे तो आप जानते हैं वो धर्म के मार्ग पर है या अधर्म का, लेकिन वर्तमान में प्रजाजनों को अनुरंजन करने के लिए, प्रजाजनों को अपनी झूठी बातों में फंसाने के लिए वो इस प्रकार के कार्यों को कर रहा है, ऐसा वो बताते हैं। तो वो क्या क्या बताते हैं कि धर्म विप्लवम निहंती, धर्म की बाधाओं को नष्ट कर रहा है, धर्म का अतिक्रमण नहीं कर रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो क्या क्या करते हुए वैसा बताते हैं कि वसूनि वांछन न, वसूनि धनानि, धन को न वांछन, धन को न चाहता हुआ, धन नहीं चाहता है किसी से वो, और न मन्युना, मन्यु क्रोध, क्रोधेन, और नहीं क्रोध से धर्म विप्लवम निहंति, कह रहे न वो धन को मांगता हुआ, धन के लोभ से धर्म बाधा को नष्ट कर रहा है, और न ही क्रोध से धर्म बाधा को नष्ट कर रहा है, बल्कि निवृत्त कारण, निवृत्त कारण कहने का मतलब है कि अपने कारणों पर, अपने कर्तव्य में निवृत्त हुआ, अपने कर्तव्य में सिद्ध हुआ, परिपक्व हुआ, वह स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म इत्येव मतलब अपना धर्म ही यह है, ऐसा समझ करके स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण, स निवृत्त कारण, अपने कारणों में, अपने कर्तव्य में जो निवृत्त हो चुका है, फिट हो चुका है, अपने कर्तव्य से इधर उधर नहीं जा रहा है, और स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म वाले अपना धर्म, इत्येव इतना ही, अपना धर्म इतना ही है, ऐसा मानता है कि धर्म को बचाना। और क्या कहा? गुरुपदिष्टेन, गुरुपदिष्टेन गुरु के द्वारा उपदेश किए गए, गुरु के मनु आदि के द्वारा, अर्थात जो मानवों में सर्वप्रथम धर्म की व्यवस्था को जिन्होंने बनाया वो मनु है, मनुस्मृति में लिखा गया है। तो मनु आदि गुरुओं के उपदेश के माध्यम से रिपौ सुते पिवा, रिपु शत्रु में और सुत पुत्र में भी हो तो दंडेन स धर्म विप्लवम निहंति, भले ही शत्रु हो, भले ही अपना पुत्र क्यों ना हो, वो भी यदि अधर्म का कर्म कर रहे हैं तो उनको दंड वो देगा। अर्थात
अपना शत्रु कोई गलती कर रहा है उसको तो दंड देगा, लेकिन अपना पुत्र कर रहा है तो उसको बचा देगा, ऐसा इसको कहते हैं धर्म विप्लव। तो इस प्रकार के धर्म विप्लव को वो मार रहा है, अर्थात इस प्रकार के पक्षपात इत्यादि को वो नहीं कर रहा है, अर्थात इस प्रकार की जो क्रियाएं आती हैं पक्षपात करने वाली, इस रूपी धर्म विप्लव को नष्ट कर रहा है, अर्थात जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार कर रहा है, जिससे शांत होना है, जिसको शांत स्वरूप से शांति से जिसे समझाया जाता है उसे शांति से समझा रहा है, और यदि किसी को दंडेन यदि दंड के द्वारा मान रहा है, कोई दंड का कोई अधिकारी है तो उसको दंड दे रहा है। इन इन कारणों से और बिना लोभ बिना क्रोध के बिना लोभ के अपना धर्म यही है, गुरुओं के आदेश के माध्यम से वह धर्म विप्लव को खत्म कर रहा है, अर्थात धर्म के व्यतिक्रम को, धर्म में आने वाली बाधाओं को वह नष्ट कर रहा है, ऐसा वनेचर बताता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम इतना ही जाने कि साम और दाम का प्रयोग करके वह अपने धर्म को बढ़ा रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है, ऐसा यह कहते हैं। तो मित्रों इस श्लोक में इतना ही है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो व्यक्तिगत रूप से आप मैसेज करके या टिप्पणी करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योग्य समझकर अपना लाभार्थी समझकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़ें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय संस्कृतम।